नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल स्पाइसी कुजीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी स्वीट डिश, वो है रसमलाई। तो जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बनाएंगे छेना, इसलिए हम एक लीटर दूध गैस के ऊपर चढ़ा दिए हैं और इसको एक उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। तो छेना फाड़ने के लिए हम यहाँ पर एक नींबू का रस ले लेंगे। ये आपके दूध के क्वालिटी के ऊपर है, आपका दूध अगर नहीं फटता है तो आप एक से भी ज़्यादा नींबू यूज़ कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके हम सारे नींबू का रस डाल देंगे और इसको फटने के लिए छोड़ देंगे। देखिए फट चुका है हमारा छेना और पानी से अलग हो चुका है छेना। अब हम इसको ड्रेन आउट कर लेंगे, पानी निकाल लेंगे एक छन्नी से। और हमारे छेना को सॉफ्ट रखने के लिए हम यहाँ पे एक ग्लास ठंडा पानी डाल देंगे। इससे हमारा नींबू का खटास भी चला जाएगा और हमारा छेना सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसको अच्छे से निचोड़ के इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए तब तक हम एक कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें 1 लीटर दूध डाल देंगे और दूध को गाढ़ा होने के लिए हम छोड़ देंगे। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। अब हम केसर को कलर छोड़ने के लिए इसमें 2 चम्मच गर्म दूध डाल देंगे और इसको साइड पर रख देंगे। देखिए दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें पहले से लिया हुआ केसर डाल देंगे और 1 कप शुगर या चीनी डाल देंगे। मिठास आपके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में डाल देंगे इलायची का पाउडर, अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पे हम पहले से ही कुछ ड्राई फ्रूट्स स्लाइस में कट करके ले लिए हैं। ये है बादाम और ये है काजू और ये है पिस्ता, और थोड़ा सा हम इसे गार्निश के लिए बचा लेंगे। बस अब हम गैस ऑफ कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हम एक प्लेट ले लेंगे, इसमें पहले से ले लिए थे जो छेना उसको हम मल मल के सॉफ्ट बना लेंगे। तो सॉफ्ट बनाने के लिए हम हाथ का इसी हिस्सों से इसे मल मल के सॉफ्ट बनाएंगे। इसी तरह से हम इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मल मल के सॉफ्ट बना लेंगे। ऐसे करने से जब हमारा छेना का बॉल चाशनी में जाएगा ये बहुत अच्छे से फूल जाएगा और एकदम फटेगा नहीं। छेना हमारा एकदम से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें से छोटा छोटा छेना बॉल्स निकाल लेंगे, देखिए इसी तरह से। और इसमें एक भी क्राक हमें नहीं आने देना है, नहीं तो चाशनी में जाने के बाद छेना हमारा एकदम से फट जाता है। देखिए इसी तरह से हम सारे बॉल प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए अब हम चाशनी प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी, साथ में डाल देंगे 4 कप पानी और गैस को हाई पर रख के एक उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। देखिए चाशनी से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें एक एक करके सारे छेना बॉल्स डाल देंगे और इसको कवर करके हाई फ्लेम में 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो बीच बीच में चेक कर सकते हैं। 15 मिनट हो चुका है, चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा छेना बॉल साइज में एकदम डबल हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमारा छेना बॉल्स एकदम से ठंडा हो चुका है। अब हम हल्के हाथ से चाशनी से इसे निकाल के दूध में डाल देंगे। देखिए इसी तरह से हम सारे छेने बॉल्स को दूध में डाल देंगे और बचा हुआ हमारा ड्राई फ्रूट से हम इसे गार्निश कर लेंगे और 1 घंटा के लिए हम इसे फ्रिज के अंदर रख देंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। ये दोस्तों रेडी है हमारा रसमलाई। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं कुछ नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।